अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेहनाज किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, डिलीशियस और बहुत डिफरेंट टाइप की रेसिपी। आज हम बनाएंगे वाइट चिकन ग्रेवी। फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस चिकन रेसिपी की ये है कि इसकी ग्रेवी हम एकदम वाइट बनाएंगे। इसमें कोई कलर नहीं होगा, कोई मिर्च, कोई हल्दी पाउडर कुछ ऐड नहीं करेंगे। चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने 1 kg चिकन ले लिया है और इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। यहाँ हम इसमें 1 tablespoon हमने ये जिंजर गार्लिक और चिल्ली पेस्ट लिया है, मतलब 3-4 हमने चिल्ली ले ली थी, हरी मिर्च और 1 inch का अदरक और 5 मैंने लहसुन की कलियाँ, इसको पेस्ट बना लिया है। सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये 1 tablespoon इसमें हम दही डालेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एकदम कोट कर देंगे चिकन के पीसेस के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये अच्छे से सारे पीसेस पर ये अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह मैरिनेट कर दिया है। अब इसमें क्या होता है कि जब मैरिनेशन करते हैं तो इसमें जो जितने मसाले डालते हैं वो सब एकदम अच्छे से जज्ब हो जाते हैं। अब हम इससे मैरिनेटेड चिकन को 15-20 minutes के लिए साइड में रख देते हैं, तब तक दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसकी ग्रेवी हम प्रिपेयर करेंगे उसके लिए हमने यहाँ ये बादाम लिए हैं, ये 18 से 20 बादाम हैं, 20-22 हमने ये काजू लिए हैं और 1 tablespoon हमने खसखस ली है। 1/4 जो नारियल होता है ना फुल साइज का, वो मैंने 1/4 यहाँ नारियल लिया है और इसको ऐसे काट लिए थिन पीसेस में इसको। सबसे पहले हमें इसे रोस्ट करना है अपने ड्राई फ्रूट्स को। ये खसखस रोस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ ये 3 चीज़ें रोस्ट करेंगे। आइए इसे पैन में डालते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पर हम रोस्ट करेंगे। देखिए ये हल्का हल्का से रोस्ट हो गया है और इसमें से भीनी भीनी से खुशबू आने लगी है। बस इतना ही रोस्ट करना है हमें। जब इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगी, समझिए कि जितना हमें रोस्ट करना था उतना रोस्ट हो गया ये। बस अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। ये हमने ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बना लिया है और इसमें हमने खसखस को भी ऐड कर दिया था, तो सबका मिक्स करके पेस्ट बना लिया, फाइन पेस्ट। यहाँ एक मैंने मीडियम साइज की प्याज ली थी, उसका भी पेस्ट बना लिया है। 1 teaspoon हमने ये वाइट पेपर लिया है, दखनी मिर्च, और ये 1.5 teaspoon हमने काली मिर्च ब्लैक पेपर लिया है, सॉल्ट लिया अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये सारी चीज़ें हम जो है ग्रेवी में यूज़ करें। 5-6 हमने हरी मिर्च ली हैं, लंबी वाली है ये, और इसको ऐसे लंबाई में काट लिया है, और ये 1/2 bunch फ्रेश धनिया पत्ती ली है, इसको गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। चिकन को 15 minutes कम्प्लीट हो चुका है, मैरिनेटेड में रखा था हमने। अब आइए इसको हम जो है रोस्ट कर लेते हैं। एक पैन में हमने ऑयल ले लिया है, 1 tablespoon ऑयल है ये, हमने अच्छे से गरम कर लिया है इसको। अब इसमें हम चिकन पीसेस डालेंगे, मीडियम फ्लेम कर लिया है हमने। ये देखिए ऐसे हमें इसको रोस्ट करना है, तो ऐसे सारे पीसेस को अरेंज कर देंगे पैन में। देखिए हमने सारे पीसेस जो थे चिकन के वो ऐसे पैन में अरेंज कर दिए हैं। अब हम 2 से 3 मिनट तक ऐसे फ्राई करेंगे इसको, मतलब रोस्ट टाइप, उसके बाद टर्न करेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, एक साइड हम ऐसा करते हैं, अपनी ग्रेवी प्रिपेयर कर लेते हैं, तब तक हमारे ये रोस्ट हो रहा है चिकन। फ्रेंड्स, हमने ये एक पैन ले लिया है, इसमें हम 1 tablespoon ऑयल डालेंगे, ये बटर डालेंगे इसमें, क्योंकि चिकन जो है बटर में बहुत ही टेस्टी बनता है, तो बटर ज़रूर डालना चाहिए। तो हमें इसमें सिर्फ 2 से 3 ये हरी इलायची डालनी है, और 1-2 हम ऐसा करते हैं ये ले लेते हैं सिनेमन स्टिक्स, बस हमें यही डालना है इसमें। देखिए स्लो फ्लेम है और हमने इसमें ये डाल दिया है, ये चला लेंगे थोड़ा, इलायची और सिनेमन स्टिक्स जो हमने दालचीनी के 2 pieces डाले हैं। अब इसमें हम ये अपनी प्याज डाल देंगे, पेस्ट, अनियन पेस्ट। अब इसको 2 से 3 मिनट तक थोड़ा फ्राई करेंगे प्याज को। देखिए इसको, जो प्याज को हम फ्राई करेंगे तो इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, इसको अच्छे से फ्राई तो करना है मगर कलर चेंज नहीं होना चाहिए कि जैसे कुछ जल जाए, इस टाइप का नहीं करना हमें, क्योंकि हमें अपना ये वाइट ग्रेवी वाला चिकन बनाना है, तो प्याज का कलर भी चेंज नहीं करेंगे हम। देखिए 2 मिनट तक फ्राई कर ली हमने यहाँ पर प्याज, इसका थोड़ा कच्चापन निकल गया है प्याज का। पेस्ट बनाया था ड्राई फ्रूट्स का हमने, वो इसमें ऐड करेंगे अब हम। आइए इन सबको अब मिक्स कर लेते हैं।
और इसको हमें बहुत अच्छे से भूनना है। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं ये वाइट पेपर, सॉल्ट और ब्लैक पेपर। अच्छा, यहाँ जो है हम कुछ और मसाले यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ यही काली मिर्च और दखनी मिर्ची ही यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब इसको हमें स्लो फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। इसको हम अब स्लो फ्लेम कर देते हैं। आइए अब चिकन देख लेते हैं कि चिकन का क्या हाल है जो रोस्ट करने रखा है हमने। तो फ्रेंड्स, हमने ये एक बार थोड़ा इसको टर्न कर लिया था। देखिए हल्का हल्का से कुछ कुछ पीसेस रोस्ट हो गए हैं। अब दूसरे पीस भी हम ऐसे ही रोस्ट करेंगे। हमें इसको एकदम रोस्ट करना है जब तक इसमें डॉट नहीं आ जाए गोल्डन ब्राउन कलर के, तब तक ऐसे रोस्ट करना है चिकन को हमें। तो देखिए हमारी ग्रेवी भी थोड़ी थोड़ी भुनने लगी है, हल्का हल्का सा ऑयल आने लगा है। इसको हम सिम पे ही भून रहे हैं क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, वो नीचे लगने लगते हैं, इसलिए हमें इसको सिम पर ही भूनना है। इसमें से खुशबू आने लगी है ड्राई फ्रूट्स की, बहुत अच्छी। तो देखिए हमारा चिकन अच्छे से रोस्ट हो गया है। इसमें ये डॉट्स भी जैसे हमें चाहिए थे, ये रोस्टेड वाले डॉट्स भी आ गए गोल्डन। बस अभी तो हमारा एकदम रोस्ट अच्छे से हो गया। देखिए ग्रेवी भी चेक कर लेते हैं। ग्रेवी भी देखिए बहुत अच्छे से भुन गई है हमारी। ये देखिए इसमें भी ऑयल साइड से निकल आया है। अब हम क्या करेंगे, ये चिकन जो हमारे रोस्टेड वाले, इसमें हम ग्रेवी में ऐड करेंगे इसको। देखिए हमने सारे चिकन पीसेस जो है रोस्टेड, ये हमने ग्रेवी में डाल दिए हैं। अब हम इसको ग्रेवी में अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे रोस्ट हुए हमारे सारे पीसेस चिकन के। ये देखिए अब इसको हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो इसका ऑयल था चिकन, जो हमने थोड़ा सा डाला था चिकन रोस्ट करने के लिए, हमने वो भी इसी में डाल दिया है ग्रेवी में। थोड़ी सी हम ये हरी मिर्च जो लंबाई में काटी डाल देते हैं, दो चार पीस इसके अंदर। फ्रेंड्स, अगर लगे कि हमारी जो इसमें ग्रेवी है थोड़ी थिक हो गई, पानी मिला रहे हैं इसमें, थोड़ा सा मिलाएंगे एकदम। अब एकदम जैसे चाहिए था हमें ग्रेवी वाला, सेम वैसे हो गया है ये। अब हम क्या करेंगे, अपना फ्लेम स्लो करके इसको 5 to 7 minutes के लिए स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। 7 minutes कंप्लीट हो चुके हैं। आइए इसको चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह तो बहुत अच्छे से मिक्स भी हो गया, भुन भी गया है, बहुत बढ़िया और टेंडर भी हो गया है ये चिकन। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने बनाया है वाइट ग्रेवी वाला चिकन, तो इसमें आपने देखा कि इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स की ही ग्रेवी बनी है। तो ये विंटर स्पेशल चिकन है, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आइए इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने ये इसको सर्व कर लिया है। इसमें थोड़ी सी हम ग्रीन चिलीज डाल देते हैं, ये ऐसे थोड़ा धनिया पत्ती से गार्निश कर लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी आसानी से ये वाइट चिकन ग्रेवी की रेसिपी बनके तैयार हो गई। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।